दो लल्लू भाई की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग जानते होंगे। पहला का नाम है राइट और दूसरा का नाम है ब्रोदर। वह भाई जब दोनों पढ़ाई करने जाते थे, वह दोनों भाई का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो पढ़ाई इसलिए करने जाते थे, उनको मम्मी पापा डांट फटकार करते थे तब वो पढ़ाई करने जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था। एक दिन वो दोनों भाई पढ़ाई करने जा रहे थे, रास्ते में देखे चिड़िया उड़ते दिखाई दी। उस चिड़िया को देखने के बाद वो दोनों भाई को मन में सोचे कि हम भी इतना बड़ा है, चिड़िया इतना छोटा है, ऐसा हम भी चीज़ ऐसा ना बनाए कि उससे ज़्यादा हवा में हम उड़ाएं। वो दोनों भाई मन में शपथ लिए कि हम ऐसा चीज़ बनाएंगे कि हवा में आसमान में उड़ाएंगे। और सोचने के बाद वह दोनों भाई आके और जहाज बनाने के लिए तैयारी करने लगे। उसके बाद लोग आते थे और पूछते थे कि तुम दोनों भाई क्या बना रहे हो। वो दोनों भाई मिलकर बोलते थे कि हम जहाज बना रहे हैं, इसको हम हवा में उड़ाएंगे। भी कोई आके पूछता था कि आप दोनों भाई क्या बना रहे हैं, वो व्यक्ति बोलते थे लोग दोनों भाई कि हम जहाज बना रहे हैं, हम इसे हवा में उड़ाएंगे। इन दोनों भाई को बात सुन सुन कर लोग बहुत सारा मजाक उड़ाने लगे। उन दोनों भाइयों को गांव वाले पूरा पागल बोलने लगे, यहाँ तक कि बाप मातारी भी गांव वालों को सुन सुन कर उसको पागल बोलने लगे। उसके बावजूद भी वो दोनों भाई ये बात सुन सुन कर बोले, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल। इतना सुनने के बावजूद भी वो जहाज बनाना नहीं छोड़े, जहाज बनाते थे। जब पूरा तरह से जहाज तैयार हो गया, वो दोनों भाई सोचे कि जहाज बन ही गया है, गांव वालों को क्यों ना खबर कर दे कि जहाज उड़ने से पहले गांव वाला भी जान जाएंगे और देख लेंगे। तो वो लोग जाके दोनों भाई गांव में खबर करने गए कि मेरा कल जहाज उड़ने वाला है। बहुत सारे व्यक्ति गांव से एकत्रित होके वहाँ पे बहुत सारे जमावड़ा लगा दिए, भीड़ लगा दिए, भीड़ लगा दी। और भीड़ लगने के बाद बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित हो गए, उसमें से एक व्यक्ति आए और बोलेगा कि जहाज उड़ाएगा कौन। वो बोले दोनों भाई बनाए हम, तो जहाज हम ही उड़ाएंगे। तो दोनों भाई को देख कर बोला, वो व्यक्ति सोचा कि जहाज तो ये बना दिया है मगर उड़ाएगा कैसे। अच्छा, सोचा कि जहाज तो बनने के लिए बन गया है मगर उड़ा देगा, मगर ऊपर से नीचे गिराएगा कैसे, ये उसको ना मालूम है कि जो व्यक्ति उड़ने के लिए बनाया होगा वो व्यक्ति गिरने वाला भी बनाया हो। ठीक है, सोचने सोच जैसे रहा था और सही, वो दोनों भाई मिलकर जहाज को ऊपर लेके गए। और कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद वो जब जहाज नीचे लेके आ रहे थे, वो नीचे लेके आ रहे थे दोनों भाई जहाज को, तो लोग देखकर बहुत खुश हो गया। जैसे लेके आ रहे थे और नीचे गिराए जहाज को, लोग शाबाशी देने लगे। हम जानते थे कि तुम जहाज बना के उड़ा दोगे, उसके बाद भी लोग बोलते थे कि जहाज बना के उड़ा दोगे। बहुत सारे व्यक्ति कुछ कुछ बात बोलने लगे। ठीक इसी तरह दोनों भाई कामयाब हुए और दोनों भाई अपने स्वप्नों को स्वीकार किए। ठीक इसी तरह दोनों भाई कामयाब हुए। आप लोग जानते होंगे कि पैर खींचने वाले ज़्यादा मिलते हैं और सपोर्ट करने वाला बहुत कम से कम लोग मिलते हैं।